दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटई नगर में भी ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बस स्टैंड पर स्थित मस्जिद में सभी लोगों ने ईद की नमाज अदा की और उसके बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। सटई नगर में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक माह से रमजान के रोजे रखने के बाद बीते रोज चांद देखने पर ईद उल फितर का त्यौहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया, जिसमें नगर की बस स्टैंड ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में ईद की नमाज हाफिज अहमद हुसैन के द्वारा पढ़ाई गई। ईद की नमाज से पहले हाफिज के द्वारा नमाज की नियत के बारे में बताया गया। इसके बाद ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई। नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। तत्पश्चात सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान जाकर अपने बूढ़े बुजुर्गों की कब्र पर फूल चढ़ाकर उनकी रूह को जन्नत बख्शने की दुआ भी मांगी। जो हमारी ईद की नमाज अदा की गई है, इसमें तमाम अहले वतन के लिए, सभी के लिए और अमन और सुकून की दुआएं मांगी गई हैं, ताकि देश में अमन और सुकून कायम रहे और देश का स्वार्थ बना रहे। जो हमारी बरसों से पुरानी गंगा जमुना तहजीब चली आ रही है, हम लोग यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे देश में हमेशा कायम रहे। और ये बड़ी ही खुशी और उल्लास का त्यौहार है जो सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ मनाते हैं। आज रमजान मुबारक के 30 रोजा पूरा करने के बाद आज ईद उल फितर का दिन है, जो कि खुशी का दिन है तमाम मुसलमानों के लिए। और आज इसी खुशी के मौके पर अहले सतई ने नमाज ईद अदा की और बड़ी खुशी के साथ अदा की। किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं हुआ, सारे लोगों ने एक साथ भाईचारे के साथ नमाज अदा की और अमन का पैगाम दिया। हमारी जानिब से तमाम मुसलमानों ने हिंद को ईद की मुबारक।